हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए क्लास वीडियो जिस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास भूगोल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2020 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, ओके। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं और यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट वन है। हम इसी तरह से आपके लिए पार्ट बाई पार्ट वीडियो लाते रहेंगे, जो किसी भी पार्ट का वीडियोज काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ओके। और आपको हिस्ट्री का क्रैश कोर्स का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जा करके हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं, ओके। और आपको पॉलिटिकल साइंस हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है फ्रेंड, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो बाहरी देश से कोई भी सामान मंगाया जाता है तो उसे आयात बोला जाता है, ओके। इसका जो सही आंसर है वो है आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो जो एनोर पतन स्थित है फ्रेंड्स, वो है तमिलनाडु में, ओके। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो जो सुंदरवन स्थित है फ्रेंड्स, वो है पश्चिम बंगाल में, ओके। इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है समुद्र और वायु द्वारा, ओके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, वो है केंद्रीय सरकार पर, ओके। इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो जो भारत को चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है फ्रेंड्स, वो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लोहा इस्पात कंपनी कौन सी है? तो जो भारत में सबसे पहले स्थापित की गई थी लोहा इस्पात कंपनी, वो है टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी, ओके। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है फ्रेंड्स, वो है केरल में। इसका जो सही आंसर है वो है केरल। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? तो जो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य है, ओके। दसवां क्वेश्चन है, कौन सा खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरित क्रांति संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जो इसका सही आंसर है वह है चक्रीय संसाधन। तेरह नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, देश के सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है 25%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर किस राज्य में है? तो जो उदयपुर स्थित है फ्रेंड्स, वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो जो सन 2001 की जनगणना के अनुसार जो राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है वह है तमिलनाडु, ओके। अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो जो नव निश्चयवाद से जो संबंधित है फ्रेंड्स, वो है टेलर, ओके। अगला प्रश्न है, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन है? तो जो मानव विकास के जो मूलभूत क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो है स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढलाओं पर की जाती है? तो जो इसका सही आंसर है वह है चाय। चाय की खेती पहाड़ों की जो ढलान क्षेत्र होती है फ्रेंड्स, उस पर की जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन कौन है? तो जो तृतीय क्रियाकलाप का जो उदाहरण है वह है व्यापार और परिवहन। ये व्यापार और परिवहन तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो जो विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग जो जलमार्ग है फ्रेंड्स, वो है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ओके। अगला क्वेश्चन है,
कि इस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया। तो जो मानव विकास सूचकांक का जो निर्धारण किया था फ्रेंड्स, वो किया था डॉक्टर महबूब हक। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर महबूब हक। ओके, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के किस आयु वर्ग के लोग कार्यशील होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा क्षेत्र एक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र फ्रेंड्स, वो है दक्षिण पूर्व एशिया। इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण पूर्व एशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महादेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं? तो जो दो अलग अलग देशों के बीच जो व्यापार होता है फ्रेंड्स, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे मार्ग कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे लंबी रेलवे मार्ग है वह है ट्रांस साइबेरियन। इसका जो सही आंसर है वह है ट्रांस साइबेरियन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो जो भारतीय रेलवे में जोन है फ्रेंड्स, वो है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? तो जो कपास की खेती सर्वाधिक जो होती हैं वो होती हैं काली मिट्टी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को जो नाम है फ्रेंड्स, वो दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे आंसर है रेगुर मिट्टी। ओके, काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, व्यापार कौन सा क्रियाकलाप है? तो जो व्यापार है फ्रेंड्स, वो है तृतीयक क्रियाकलाप। ओके, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जो इसका सही आंसर है वो है केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चाय की खेती होती है? यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय की खेती होती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है असम। असम में सर्वाधिक चाय की खेती होती है। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो जो चावल की खेती सर्वाधिक होती है फ्रेंड्स, वो होती है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो जो अम्ल वर्षा होती है फ्रेंड्स, वो होती है वायु प्रदूषण के कारण। ओके, इसका जो सही आंसर है वो है वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो दूसरा उत्पादक राज्य है फ्रेंड्स, वो है महाराष्ट्र। ओके, इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। हम आपके लिए इसी तरह से रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं न्यू चैनल को, तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।